हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आलू की बुवाई है, देखो इधर दिखाओ भाई, कि आलू की बुवाई हमारे खेत में हो चुकी है। अब हमें इस खेत के जो कोने थे, अब ये कोने बनाने हैं। तो देखिए, कोने के लिए हमने पहले डोर बना दी थी, आलू नहीं थे, लेकिन पहले हमें आलू रखने चाहिए, उसके बाद इसकी डोर बनानी चाहिए। तो आलू की दूरी देखो, एक आदमी धर रहा है अभी, इस तरह से आलू लगा दिए जाएंगे। देखिए, अब हमारा वो वाला जो कॉर्नर था वो कंप्लीट हो चुका है, और जैसे ये भरे हैं, हमें ये भरा बनाया है, ये भरा हमारा ट्रैक्टर से बना हुआ है, ये हाथ से बना हुआ नहीं है, ये ट्रैक्टर से बनाए हुए हैं। तो इसके जो आलू थे वो ऊपर निकल के आ गए, तो पहले उन आलुओं को मुझे बीनना पड़ेगा, थोड़ा बाहर निकल के आ गए हैं उन आलुओं को, कुछ को तो यहीं गाड़ दूँगा, क्योंकि ये भाई इसी भरे में से वो आलू निकले हुए हैं, और कुछ को मैं उठा लेता हूँ, जैसे जो यहाँ पर ये मैं उठा लूँ, क्योंकि अगर ये बाहर पड़े रह जाएंगे तो जो गाय होती है वो गाय वगैरह सभी आलुओं को खा जाएंगी। और भाई कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ज़रूर बताना कि जो ये बेड वाला, एक बेड वाली जो मशीन है, बेड वाली बुवाई अच्छी है या फिर ये सिंगल जोरे वाली। ठीक है, सिंगल जोरे में आप दिखाइए सर, सिंगल जोरे में क्या दिक्कत है कि जो गाय वगैरह है अगर निकल जाती है तो पूरी डोर को फोड़ देती हैं वो। तो मेरे हिसाब से मुझे तो सबसे बेस्ट जो लगा है भाई, बेड वाली मशीन से बुवाई लगी है। बेड वाली मशीन की बुवाई के लिए कुछ आपको फ़ायदे बताऊँ, मेरे हिसाब से उसमें सबसे बेस्ट एक तो पानी देने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट मुझे लगा है। दूसरा, उसमें आलू हरा नहीं होता। और तीसरा, जब खुदाई होती है तो उसमें अगर हम सही टाइम पर अगर उसकी खुदाई करें तो कोई ढेल वगैरह भी नहीं होते। जैसे देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े ढेल हो जाते हैं, वो तो उसमें भी जाते हैं अगर लेट खुदाई करो। और जैसे वो वाला भरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरे वाले भरे में हम आ चुके हैं। तो भाई आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और सबसे एक अपील करना चाहूँगा कि हमारी जो वीडियो लोग जो भी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। और भाई आज की वीडियो के लिए राम राम, बाय बाय।